हाय दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आई होप सभी कोई अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है कि आज का जो ट्यूटोरियल बना रहे हैं आप, खास के करके आपका ऑटोकैड के लिए बना रहे हैं, कि बहुत कॉमन गलती आप लोग क्या करते हैं, इंटरफेस को पहले स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ चीज़ होता है, पहले आप लोग वो चीज़ ना करके स्टार्टिंग से ड्राइंग बनाना शुरू कर देते हैं। कि नहीं, ऐसा चीज़ की गलत प्रोसेस है, आप लोग को मैं दिखाने वाला हूँ आज। बहुत ही कॉमन गलती जो हम लोग अक्सर ही करते हैं ऑटोकैड में, तो वो ना होए तो उसके लिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए, पहला गलती क्या होता है, हम लोग जब भी कोई ऑटोकैड का प्लान बनाते हैं, जैसे कोई प्लान हो गया रूम का या रेजिडेंस का, ऑफिस का या कोई का भी, तो हम लोग क्या कर देते हैं, विदाउट एनी सेटिंग हम लोग क्या कर देते हैं, एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं लाइन से या कोई भी टूल से। तो ऐसा ही गलत है, हम लोग को पहले तीन चीज़ हमेशा सेटिंग करना पड़ता है। उससे क्या होता है कि हमारा ड्राइंग का जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो अच्छा से बैठ पाता है, ताकि हम लोग जब इम्पोर्ट करते हैं 3ds Max में तो वो अच्छा से हो जाता है। अदरवाइज़ अगर ये तीन सेटिंग नहीं करने से क्या होता है, कभी कभी हम लोग का मेज़रमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है, कभी हम लोग अच्छा से मेज़रमेंट नहीं आता है, लीनियर से चेक करते तो अलग आ जाता है। तो हम लोग क्या करना पड़ता है, ये तीन सेटिंग नहीं करने की वजह से हमारे ड्राइंग में प्रॉब्लम होता है। तो मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इसको कैसे ठीक करें। तो सबसे पहले पहला सेटिंग होता है वो दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक होता है MB सेटअप, नहीं तो फिर लिमिट्स। तो बहुत लोग को पता है लिमिट्स, तो लिमिट्स में करते हैं, नहीं तो फिर MB सेटअप में करते हैं। अगर दोनों नहीं पता है तो मैं आपको दोनों ही दिखाने जा रहा हूँ। पहला होता है MB सेटअप, मैं आपको MB सेटअप ही दिखाता हूँ, वो बहुत ईजी है, इससे आप बढ़िया से कर सकते हैं बिगनर्स के लिए। तो पहले आप कीबोर्ड में लिखिएगा MB सेटअप, फिर एंटर। अब ये बोल रहा है कि इनेबल पेपर स्पेस, हम लोग अभी नो रखते हैं, एन इंटर मारने से नो हो जाएगा। तो हम लोग इसमें देखिए, साइंटिफिक है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चरल है, तो हम लोग फिजिकली हम लोग काम करेंगे मिलीमीटर में, क्योंकि जो इंजीनियर्स लोग होता है वो लोग को मिलीमीटर में काम करना पड़ता है, और जो इंटीरियर है लोग मिलीमीटर या सेंटीमीटर एक इसमें भी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जो भी इंटीरियर हो चाहे सिविल इंजीनियर हो, सभी कोई सबसे स्मॉल नंबर वाला करिएगा तो वो अच्छा होता है, जैसे कि मिलीमीटर, डेसिमल में रखिएगा। तो डी इंटर मारने से डेसिमल आ गया। उसके बाद क्या होता है, ये बोल रहा है इंटर द पेपर स्केल फैक्टर, यहाँ पे देखिए सबका स्केल का नंबर लिखा हुआ है 4, 2, 1 ऐसे करके, फुल स्केल, हाफ स्केल, 2 times, ये सब आप देखे होंगे एमस्ट्रोम स्केल में, जो आपको जब किए होंगे थ्योरी का क्लासेस, जब पेपर में क्राफ्ट में किए थे उस टाइम में आपको समझ में आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। तो मैं अभी फ़िलहाल ले लेता हूँ 1, मतलब फुल स्केल, तो 1 इंटर देने से फुल स्केल ले लिया। अब ये बोल रहा है एंटर द पेपर विथ, जो हमारा प्लॉट है वो कितना बड़ा लेंगे, जैसे आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं तो एक प्लॉट रहेगा तभी ना आप उसके अंदर में बनाएंगे प्लानिंग। तो ये बहुत ही बहुत अच्छा चीज़ है, तो इसमें लोग बाई डिफॉल्ट ले लेते 1000, एंटर 800। देखिए आपके सामने एक प्लॉट आ गया है हमारे पास, तो हम लोग क्या होता है कि हमारे पास जब प्लॉट आ जाते हैं तो हम लोग अंदर में आराम से ड्राइंग बना सकते हैं। अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा कि हम लोग को बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये पहला सेटअप कंप्लीट हो गया है, एंड दूसरा सेटअप जो है यूनिट सेटअप है। UN इंटर मारने से क्या होता है कि एक ड्राइंग पॉपअप आता है, उसमें उसका नाम है ड्राइंग यूनिट्स में। तो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो हम लोग लिए थे वो डेसिमल आ गया, हम लोग डेसिमल ले लिए, इंचज़ को हम लोग कर देंगे मिलीमीटर। ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो आप जो वहाँ पे डेसिमल में जो किए थे मिलीमीटर वो कोई काम नहीं आएगा, जब तक आप यहाँ पे मिलीमीटर में नहीं करेंगे तब तक, ठीक है। उसके बाद प्रिसिशन को आप कोई भी रख सकते हैं, नंबर हम लोग ले लेते हैं 0.00, ये ठीक रहेगा, या फिर और भी कम कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। उसके बाद हम लोग रखते हैं, पहला ख़त्म हो गया, पहला क्या था MB सेटअप, दूसरा यूनिट सेटअप, एंड तीसरा होता है डायमेंशन स्टाइल मैनेजर, उसका शॉर्ट कमांड है डी एंटर। डी एंटर मारने के बाद मॉडिफाई में जाएंगे। अब इसका तो बहुत सारा चीज़ है, ये हम चीज़ सब ये सब चीज़ का सब कुछ डिटेल में दिखा दिए, अगला वीडियो में वो देख लीजिएगा, नहीं तो फिर मैं कमेंट क्या बोलते हैं आपका उसमें हम डाल देंगे लिंक। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी यूनिट्स में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट डेसिमल आ गया है, और इसका प्रिसिशन को हम लोग कम कर लेते हैं, और टेक्स्ट का साइज़ थोड़ा बड़ा रहेगा नहीं तो फिर दिखेगा नहीं, और सिंबल सिनेरियो का साइज़ उससे कम रहता है तो आप दे दीजिए 5, ठीक है। ये तीन सेटअप को करना ज़रूरी है इसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें, लाइन में क्या कलर देना है, हाँ, और भी जैसे सिंबल्स एंड एरो में कौन सा सिंबल्स रहेगा, ये सब आपको इसकी ज़रूरत नहीं, आप इसी में मेरा यूट्यूब में देख लीजिएगा चैनल में, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वो लिंक, उससे आप अच्छा से समझ सकते हैं। तो मैं इसमें तीन ही चीज़ें अभी दिखा रहा हूँ, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लेना, प्राइमरी यूनिट्स में जाके ये चेंजेस कर लेना, एंड सिंबल्स का साइज़ कम कर देना, बस इतना ही। अब देखो क्या होता है कि जब अभी हम लोग यहाँ से लाइन लेते हैं तो ऑर्थो को ऑन कर लेते हैं,
एक परफेक्ट आएगा। जैसे हम लोग लेते हैं 100 का एक लाइन लेते हैं, अगर आप यहाँ से लीनियर से चेक करो तो ये 100 का आ गया। तो ये चीज़ सेटअप करने से क्या फ़ायदा होता है आपका, एक्चुअली तो ड्राइंग जो भी आप बनाएंगे तो भूल नहीं होगा, जल्दी गलती नहीं, डायमेंशन से लीनियर में प्रॉब्लम नहीं होगा। और क्या होगा एक फ़ायदा, जो जिसको मैक्स पता है, जो ये चीज़ फाइल को इंपोर्ट करके लेके जाएगा मैक्स में, तब उसका जो कोऑर्डिनेट है वो एकदम एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट बैठेगा। अदरवाइज़ वो जो ड्राइंग अगर इसमें इनपुट करेगा मैक्स में, तब क्या होगा कि जो प्लान है वो कहीं और दूसरा जगह भाग जाएगा, इसलिए हम लोग वो कोऑर्डिनेट को मिला के रखते हैं, ठीक है ना। तो आई होप मैं आपको ये समझा पाया होगा। तो लॉकडाउन में आप लोग यही प्रैक्टिस करते रहिए, और मैं चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ एक एक नया नया चीज़ टॉपिक ला के आप लोग को वीडियो दिखाता रहूँ, बनाता रहूँ, ट्यूटोरियल बढ़िया बढ़िया, जिससे आप लोग का घर बैठे फ़ायदा हो सके और लॉकडाउन को सीख सके, ठीक है ना। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।